वेलकम टू बरुण मैथ्स ऑनलाइन क्लास। मैं अपने इस चैनल पर बीटेक, बीएससी, बीफार्मेसी, नेट और गेट के वीडियो अपलोड करता हूँ। आज बीटेक फर्स्ट ईयर के लिए एक टॉपिक है पार्शियल डिफरेंशिएशन, पार्शियल डिफरेंशिएशन। आज इस टॉपिक को क्लियर करेंगे। आपके लिए बहुत इजी होगा क्योंकि इसका पूरा कॉन्सेप्ट डिफरेंशिएशन का ही है। डिफरेंशिएशन से ही पार्शियल डिफरेंशिएशन बना है। आप डिफरेंशिएशन क्लास 12th में पढ़ चुके हैं, डिफरेंशिएशन आप क्लास 12th में पढ़ चुके हैं, ये आपको अच्छे से मालूम है, ठीक है। तो वही चीज़ है, डिफरेंशिएशन और पार्शियल डिफरेंशिएशन बिल्कुल एक ही चीज़ है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट में ही अंतर है, बाकी सब चीज़ सेम है। इसके फॉर्मूले सेम होते हैं, है ना। इसके जो प्रोडक्ट रूल है वही प्रोडक्ट रूल इसमें भी होता है, जो इसमें डिवीजन का रूल होता है ये डिवीजन का रूल होता है, जो फंक्शन ऑफ फंक्शन इसमें करते हैं वही इसमें भी करते हैं। केवल थोड़ा सा डिफरेंस है, डिफरेंशिएशन को अपन डी बाई डी एक्स से डिनोट करते हैं, पार्शियल डिफरेंशिएशन को अपन डेल बाई डेल एक्स से डिनोट करते हैं। और क्या अंतर है, जैसे आप 12th में पढ़े होंगे क्वेश्चन रहता होगा फाइंड डी वाई बाई डी एक्स वेयर वाई इज इक्वल्स टू ई टू द पावर एक्स प्लस लॉग एक्स प्लस 10। ये ऐसा सिंपल सा क्वेश्चन आप पढ़े होंगे, ठीक है। और इसमें करेंगे क्वेश्चन ऐसा आएगा फाइंड डी जेड बाई डी एक्स और डी जेड बाई डी वाई ऑफ एंड, लिख देता हूँ एंड डी जेड बाई डी ऑफ जेड इज इक्वल्स टू 2x³ प्लस 3y टू द पावर 4 प्लस 7। ऐसे देखिए, दोनों के बीच में डिफरेंस समझने का सबसे अच्छा तरीका ये है। यहाँ मैं दो अलग अलग क्वेश्चन लिखा है ना, तो दोनों में डिफरेंस क्या है। यहाँ देखिए y जो है केवल x का फंक्शन है, यहाँ इंडिपेंडेंट वेरिएबल की संख्या केवल एक है x, है ना। y जो है x के ऊपर डिपेंड करता है, एक वेरिएबल के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ जो डिफरेंशिएशन होगा, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ही होगा यहाँ, और इसको अपन डी वाई बाई डी एक्स लिखेंगे। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू ई टू द पावर एक्स का ई टू द पावर एक्स, लॉग एक्स का 1 बाई एक्स और 10 का 0 हो जाएगा, है ना। तो आपको डी वाई बाई डी एक्स जो है यही मिलेगा, ई टू द पावर एक्स प्लस 1 बाई एक्स। लेकिन यहाँ देखिए जेड जो है दो वेरिएबल के ऊपर डिपेंड कर रहा है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल की संख्या दो है, एक एक्स के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है, वाई के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है, जबकि यहाँ पास वाई जो है केवल एक वेरिएबल के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। जब वो एक वेरिएबल के ऊपर डिपेंड कर रहा है तो यहाँ जो डिफरेंशिएशन करेंगे वो क्या कहलाएगा, डी वाई बाई डी एक्स कहलाएगा। यहाँ जो अपन डिफरेंशिएट करेंगे ये पार्शियल डिफरेंशिएट कहलाएगा, कि जेड जो है एक से अधिक फंक्शन के ऊपर डिपेंड कर रहा है। इसको एक्स के रिस्पेक्ट में भी डिफरेंशिएट किया जा सकता है और वाई के रिस्पेक्ट में भी डिफरेंशिएट किया जा सकता है। जब आप एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो वाई को कांस्टेंट लेना है, जब वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्स को कांस्टेंट रखना है। इसके डिफरेंशिएशन को कैसे लिखेंगे, पार्शियल डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इसके नोटेशन को अपन डेल जेड बाई डेल एक्स लिखते हैं। ये नोटेशन क्या चीज़ को बताता है, कि जेड जो है एक से अधिक फंक्शन के ऊपर डिपेंड कर रहा है। जब ये एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा तो वाई कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा, और कांस्टेंट तो कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा ही। तो ये क्या हो जाएगा, 6x² और ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ठीक है। यदि इसको वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे पार्शियली डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू वाई, तो ये क्या हो जाएगा, डेल जेड बाई डेल वाई। यहाँ वाई एक्स जो है कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा तो ये 0 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 12y³ प्लस 0। तो इसका आंसर आ जाएगा 12y³, और इसका आंसर आ जाएगा 6x²।
ठीक है। तो ये बेसिक डिफरेंस यही है कि जहाँ भी मैं डेल जेड बाई डेल एक्स लिखूँ तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि जेड जो है एक्स के अलावा किसी एक और फंक्शन के ऊपर डिपेंड कर रहा है। यहाँ डिपेंडेंट वेरिएबल की संख्या एक से ज़्यादा है, इसके इक्वेशन में एक से ज़्यादा वेरिएबल है। यदि मैं यहाँ से डी जेड बाई डी एक्स लिखूँ, यहाँ डी जेड बाई डी एक्स लिखूँ, तो इसका मतलब है कि जेड जो है केवल और केवल एक्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है। नोटेशन से ही आपको पता चल जाना चाहिए। जैसे मैं यहाँ पास डी जेड बाई डी एक्स लिखूँगा, डी जेड बाई डी एक्स, तो इसका मतलब है कि जेड जो है केवल एक फंक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। ये ऐसा हो सकता है 2x² + 2x³ + 5x² + 7, मतलब केवल ये एक्स एक्स के ऊपर ही डिपेंड करेगा, इसमें वाई नहीं रहेगा। और यहाँ डेल जेड बाई डेल एक्स लिखा तो ये एक्स के अलावा किसी और फंक्शन के ऊपर भी डिपेंड कर सकता है, ठीक है। ये ऐसा है, जेड का मतलब होता है डेल, डेल का मतलब होता है कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो एक से अधिक इंडिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर डिपेंड करता है, और डी जेड बाई डी एक्स का मतलब है कि जेड जो है केवल एक और एक ही फंक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। तो ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया, इसका डिफरेंस समझ में आ गया कि पार्शियल डिफरेंशिएशन और डिफरेंशिएशन में क्या डिफरेंस है। रूल रेगुलेशन पूरे सेम रहेंगे, कोई भी अंतर नहीं रहेगा। यदि मान लीजिए कि आपसे पूछा जाए व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स होता है। सेम यही रिजल्ट इसमें भी होगा, डेल बाई डेल एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होगा, कॉस एक्स ही होगा। फॉर्मूला में कोई भी अंतर नहीं पड़ता, फॉर्मूला सेम रहता है। जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन का क्या हो जाएगा, फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। तो इसमें भी वही होता है, डेल बाई डेल एक्स यदि दो फंक्शन प्रोडक्ट के फॉर्म में है तो सेम वही रहेगा, फर्स्ट पार्शियली डिफरेंशिएट ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड पार्शियली डिफरेंशिएट ऑफ फर्स्ट। तो आपको एक चीज़ याद रखना है कि फॉर्मूले में और रूल में कोई अंतर नहीं है, केवल नोटेशन का ही अंतर है। नोटेशन का अंतर क्या चीज़ को दर्शाता है, ये डेल बाई डेल एक्स, डेल जेड बाई डेल एक्स लिखा होगा तो जेड जो है एक्स के अलावा किसी और एक वेरिएबल के ऊपर डिपेंड करेगा, मतलब वहाँ कम से कम दो वेरिएबल होंगे जिसके ऊपर वो डिपेंड कर रहा है। यदि डी जेड बाई डी एक्स लिखा रहेगा तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि केवल एक वेरिएबल वो भी एक्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। ये दोनों में यही अंतर था, पार्शियल डिफरेंशिएशन और डिफरेंशिएशन में। चलिए हमको डिफरेंशिएशन पढ़ना है, इसके ऊपर देखेंगे, कॉन्सेंट्रेट पार्शियल डिफरेंशिएशन पे अपन करते हैं। पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या होता है और कैसे करते हैं, देखिए क्या होता है। पार्शियल डिफरेंशिएशन में हर हमेशा जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो एक से अधिक वेरिएबल के ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ जेड जो है एक्स और वाई दोनों के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको एक्स के रिस्पेक्ट में भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं, इसको वाई के रिस्पेक्ट में भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं। जैसे यहाँ से अपन क्या निकाल सकते हैं, डेल जेड बाई डेल एक्स निकाल सकते हैं, डेल जेड बाई डेल वाई निकाल सकते हैं, डेल स्क्वायर जेड डेल एक्स स्क्वायर निकाल सकते हैं, डेल स्क्वायर जेड डेल एक्स डेल वाई निकाल सकते हैं, और डेल स्क्वायर जेड डेल वाई स्क्वायर निकाल सकते हैं, है ना। इतने चीज़ों को निकाल सकते हैं अपन, ठीक है। ये जो है देखिए, इसमें ये फर्स्ट ऑर्डर का पार्शियल डिफरेंशिएशन कहलाता है, फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशिएशन कहलाएगा। ये जो इतना जो है ये सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशिएशन कहलाएगा, सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशिएशन कहलाएगा, ठीक है। ये एक्स वाई है, दो वेरिएबल है, तो डेल जेड बाई डेल एक्स भी निकल सकता है, डेल जेड बाई डेल वाई भी निकल सकता है, डेल स्क्वायर जेड डेल एक्स स्क्वायर भी निकल सकता है, डेल स्क्वायर जेड डेल एक्स डेल वाई भी निकल सकता है, डेल स्क्वायर जेड डेल वाई स्क्वायर भी निकल सकता है, ठीक है। तो जिसमें ये सिंगल सिंगल है तो ये फर्स्ट ऑर्डर का पार्शियल डिफरेंशिएशन है, ये सेकेंड ऑर्डर का पार्शियल, जिसमें दो दो हैं इसमें सेकेंड ऑर्डर के पार्शियल डिफरेंशिएशन है।
इसमें कुछ सिंबल होते हैं, नोटेशन होता है, जैसे डेल जेड बाई डेल एक्स को नोटेशन के फॉर्म में पी लिखते हैं, डेल जेड बाई डेल वाई को क्यू लिखते हैं स्मॉल क्यू, इसको आर लिखते हैं, आर का मतलब है डेल स्क्वायर जेड डेल एक्स स्क्वायर, और इसको एस लिखते हैं और इसको टी लिखते हैं नोटेशन के फॉर्म में। जैसे कभी कभी नोटेशन के फॉर्म में ये दे देगा आर टी माइनस एस स्क्वायर, जैसे आप इसके आगे मिनिमा मैक्सिमा पढ़ेंगे उस समय ये अपने को प्रूफ करना रहता है कि ये पॉजिटिव है या निगेटिव है। तो आर का मतलब क्या होगा, ये नोटेशन के फॉर्म में है, आर का मतलब क्या होगा डेल स्क्वायर जेड डेल एक्स स्क्वायर, टी का मतलब क्या होगा डेल स्क्वायर जेड डेल वाई स्क्वायर, एस का मतलब क्या होगा डेल स्क्वायर जेड डेल एक्स डेल वाई। ठीक है, तो ये नोटेशन को भी आप याद रखेंगे। पार्शियल डिफरेंशिएशन में ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि डेल जेड बाई डेल एक्स को पी बोलते हैं, स्मॉल पी, डेल जेड बाई डेल वाई को स्मॉल क्यू बोलते हैं, डेल स्क्वायर जेड डेल एक्स स्क्वायर को आर बोलेंगे, इसको एस बोलेंगे और इसको टी बोलेंगे, है ना। ये कभी कभी क्या होता है नोटेशन के फॉर्म में भी क्वेश्चन पूछ देते हैं, तो ये नोटेशन आपको याद रहना चाहिए। और बाकी कॉन्सेप्ट जो है पूरे वही कॉन्सेप्ट हैं जो हमने डिफरेंशिएशन में पढ़ा है, उसके अलावा कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है। चलिए एक आध क्वेश्चन लेकर के इसको क्लियर करते हैं कि ये क्या चीज़ होता है। देखिए एक क्वेश्चन है, फाइंड फर्स्ट एंड सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स ऑफ जेड इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर वाई माइनस साइन एक्स वाई। ये एग्जाम में अक्सर 4 मार्क्स में पूछा जाता है, एकदम छोटा सा क्वेश्चन है, 4 मार्क्स 2 मार्क्स में पूछा जाएगा। इसके फर्स्ट एंड सेकेंड ऑर्डर के पार्शियल डेरिवेटिव्स निकालना है। फर्स्ट ऑर्डर मतलब क्या निकालना है, वी हैव टू फाइंड फर्स्ट ऑर्डर का क्या मतलब है, फर्स्ट ऑर्डर मतलब डेल जेड बाई डेल एक्स डेल जेड बाई डेल वाई निकालना है, और सेकेंड ऑर्डर मतलब सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, डेल स्क्वायर जेड डेल एक्स स्क्वायर निकालना है, और डेल स्क्वायर जेड डेल एक्स डेल वाई निकालना है, और डेल स्क्वायर जेड डेल वाई स्क्वायर निकालना है। ठीक है, ये अपने को फाइंड करना है। वी हैव, इट इज़ गिवन दैट जेड इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर वाई माइनस साइन एक्स वाई। ठीक है, ये आपको दिया हुआ है। अब ये निकालिए डेल जेड बाई डेल एक्स निकालिए, तो इसको क्या करना पड़ेगा, पार्शियली डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा डेल जेड बाई डेल एक्स। और डिफरेंशिएशन वैसे ही करना है जैसे आप क्लास 12th में किए थे, एक्स के रिस्पेक्ट में वाई कांस्टेंट होगा, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स के रिस्पेक्ट में 2xy, मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ 2xy माइनस, एक्स के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करना है तो इसको टी मान करके करना पड़ेगा, साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा कॉस एक्स वाई, और फिर एक्स वाई का एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये वाई हो जाएगा। ठीक है, ये निकल गया डेल जेड बाई डेल एक्स। ठीक है, अब डेल जेड बाई डेल वाई निकालेंगे, पार्शियली डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू वाई ऑफ इक्वेशन वन को वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो ये हो जाएगा डेल जेड बाई डेल वाई दैट इज इक्वल्स टू वाई के रिस्पेक्ट में एक्स कांस्टेंट हो जाएगा, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई तो वन हो जाएगा माइनस, यहाँ एक्स वाई का फंक्शन इसको टी मान के करना पड़ेगा, साइन का क्या हो जाएगा कॉस एक्स वाई, और फिर इसका वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये एक्स हो जाएगा, ये हो गया डेल जेड बाई डेल वाई। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2, ये इक्वेशन नंबर 3, सिंपल है, बहुत सिंपल है, आप इसको केवल डिफरेंशिएट भर करते जाइए। अब आपको क्या चाहिए, डेल स्क्वायर जेड डेल एक्स स्क्वायर, तो इसको एक बार ना डिफरेंशिएट कर लेंगे, पार्शियली डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ऑफ इक्वेशन नंबर 2 को कीजिए, ये हो जाएगा डेल बाई डेल एक्स ऑफ डेल जेड बाई डेल एक्स, इसको एक्स के रिस्पेक्ट में मैं डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर दे रहा हूँ, तो ये हो जाएगा
एक्स के रिस्पेक्ट में करूंगा तो ये हो जाएगा 2y माइनस वाई तो कांस्टेंट है, कॉस का क्या हो जाएगा, इसको टी मान कर करेंगे तो कॉस का क्या हो जाएगा माइनस साइन, तो ये हो जाएगा प्लस साइन एक्स वाई, और एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ तो ये वाई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये किसका रिजल्ट आया, डेल स्क्वायर जेड डेल एक्स स्क्वायर का, यहाँ लिख दे रहा हूँ, ये किसका है रिजल्ट, डेल स्क्वायर जेड डेल एक्स स्क्वायर का जो रिजल्ट है ये हो जाएगा 2y, और ये हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर साइन एक्स वाई, ये हो जाएगा। ठीक है, अब मैं इसका निकाल ले रहा हूँ y का सीधा, तो पार्शियली डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू y ऑफ इक्वेशन थर्ड, ये इक्वेशन नंबर 4 हो गया, थर्ड को करेंगे तो ये हो जाएगा डेल बाय डेल y ऑफ डेल z बाय डेल y, तो ये हो जाएगा y के रिस्पेक्ट में ये क्या हो जाएगा, x कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा, ये माइनस x हो जाएगा, ये कांस्टेंट है, और cos का क्या हो जाएगा माइनस साइन, तो ये प्लस साइन एक्स वाई हो जाएगा, और इसको वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो डेल स्क्वायर जेड डेल वाई स्क्वायर की जो वैल्यू आई वो हो गया एक्स स्क्वायर साइन एक्स वाई। ठीक है, अब लास्ट में बचा है ये डेल स्क्वायर जेड, ये इसको अपन इक्वेशन नंबर 5 डाल दिए। ठीक है, अब लास्ट वाला बचा है उसको देख लेते हैं, उसका रिजल्ट कितना आता है, देखिए अब क्या निकालना है, डेल स्क्वायर जेड डेल एक्स डेल वाई, तो ये जो है ना y को x के डेल जेड बाई डेल y को x के रिस्पेक्ट में अपन डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, तो डेल जेड बाई डेल y को y पहले है तो डेल जेड बाई डेल y को x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर लेते, इसको पार्शियली डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x ऑफ इक्वेशन नंबर 2, तो वी विल गेट डेल बाई डेल एक्स ऑफ डेल जेड बाई डेल वाई इक्वस टू डेल बाई डेल एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस डेल बाई डेल एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर कॉस एक्स वाई। ठीक है, इतना आपको समझ में आ रहा होगा, देखिए ये क्या हो जाएगा डेल स्क्वायर जेड डेल एक्स डेल वाई, ये हो जाएगा डेल स्क्वायर जेड डेल एक्स डेल वाई, और इसको यदि आप डिफ्रेंशिएट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में तो ये हो जाएगा 2x माइनस, अब यहाँ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन है, देखिए एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे थे, यहाँ भी x है और यहाँ भी x है, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन लगेगा, है ना, तो प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन में क्या हो जाएगा, फर्स्ट डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकेंड, तो ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स वाई, और x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ये y हो जाएगा, फर्स्ट डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड साइन सॉरी कॉस एक्स वाई, कॉस एक्स वाई और डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, मतलब ये 2x हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, डेल स्क्वायर जेड डेल एक्स डेल वाई इक्वल्स टू 2x माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर वाई साइन एक्स वाई, और ये माइनस 2x कॉस एक्स वाई। ठीक है, ये आ जाएगा डेल स्क्वायर जेड डेल एक्स डेल वाई की वैल्यू। ठीक है, आप एक बार मैच करवा लेंगे, कहीं मिस्टेक होगा तो आप देख लीजिए। सॉरी, यहाँ पास एक्स स्क्वायर नहीं है, सिंपल x है, देखिए ये जो है डेल बाई डेल एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर है, ये डेल बाई डेल एक्स ऑफ सिंपल एक्स है, यहाँ ना एक्स स्क्वायर मैं गलती से लिख लिया था, आप एक्स लिखेंगे, एक्स है ना, तो इसका तो 2x हो जाएगा, ये फर्स्ट में एक्स हो जाएगा, और इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो सेम आ जाएगा, ये 2x नहीं आएगा बल्कि इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो x का 1 आ जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पास थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, एक्स स्क्वायर गलती से मैंने यहाँ एक्स स्क्वायर लिख लिया था। ठीक है, तो इसका रिजल्ट इतना ही आएगा। ठीक है, यहाँ एक्स स्क्वायर आप एक्स स्क्वायर को हटा कर एक्स लिखेंगे, है ना, क्योंकि यहाँ एक्स है, तो ये ऐसा ही आएगा।
एक्स स्क्वायर का 2x हो गया, और इसका हो जाएगा फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, x का 1 हो जाएगा। इसको अपन सिंप्लीफाई करेंगे, 2x माइनस माइनस प्लस एक्स वाई साइन एक्स वाई और ये माइनस कॉस एक्स वाई, ठीक है। तो ये फर्स्ट ऑर्डर के और सेकंड ऑर्डर के दोनों पार्शियल डेरिवेटिव्स आपके पास आ गए, है ना, डेल जेड बाई डेल एक्स, डेल जेड बाई डेल वाई, डेल स्क्वायर जेड डेल एक्स स्क्वायर, डेल स्क्वायर जेड डेल वाई स्क्वायर, डेल स्क्वायर जेड डेल एक्स डेल वाई, दोनों तरफ दोनों के डेरिवेटिव्स आपके पास है, ठीक है। चलिए एक आध क्वेश्चन और लेकर के देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस पर देखिए, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एग्ज़ाम में 4 या 8 मार्क्स के लिए पूछा जाता है, 4 या 8 मार्क्स के लिए एग्ज़ाम में आता है। इफ़ यू इक्वल्स टू ई टू द पावर एक्स वाई जेड, फाइंड द वैल्यू ऑफ डेल डेल क्यूब यू डेल एक्स डेल वाई डेल जेड। ये देखिए, यहाँ से देखने से पता चल रहा है कि इसको 3 टाइम्स अपने को डिफ्रेंशिएट करना है। डिफ्रेंशिएट कहाँ से स्टार्ट करना है, आपको एक्स से स्टार्ट नहीं करना है, आपको जेड से स्टार्ट करना है। सबसे पहले ये है, सबसे पहले यू को जेड के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, फिर यू को जो आंसर आएगा उसको वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, फिर जो आंसर आएगा उसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। बहुत ही सिंपल है, केवल आपको डिफ्रेंशिएट करना, जैसे आप क्लास 12th में डिफ्रेंशिएट करते थे वैसे ही आपको करना है। जैसे देखिए, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन इट इज़ गिवन दैट u इज इक्वल्स टू ई टू द पावर एक्स वाई जेड। अपन क्या करेंगे, इसको z के रिस्पेक्ट में पहले डिफ्रेंशिएट करेंगे, पार्शियली डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू z, z के रिस्पेक्ट में इसको मैं डिफ्रेंशिएट करता हूँ तो ये हो जाएगा डेल u बाई डेल z। तो ये क्या हो जाएगा, z के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करूँगा तो डेल डेल बाई डेल जेड ऑफ ई टू द पावर एक्स वाई जेड। तो एक्स वाई जो है कॉन्स्टेंट है, आप 12th में पढ़े होंगे डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर ए एक्स, तो ये हो जाएगा ई टू द पावर ए एक्स हो जाएगा, फिर से इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ए सामने में आ जाता है, जो भी कॉन्स्टेंट रहेगा वो सामने आ जाता है। यहाँ एक्स वाई कॉन्स्टेंट है तो ये क्या हो जाएगा, एक्स वाई सामने आ जाएगा, ई टू द पावर एक्स वाई जेड रहेगा। तो ये निकल गया आपका डेल यू बाई डेल जेड, डेल यू बाई डेल जेड का क्या आया, एक्स वाई ई टू द पावर एक्स वाई जेड। अब क्या करेंगे, वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसको पार्शियली डिफ्रेंशिएट करेंगे, पार्शियली डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू वाई, वी गेट अपने को क्या मिलेगा, देखिए डेल बाई डेल वाई ऑफ डेल यू बाई डेल जेड, डेल यू बाई डेल जेड को वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो एक्स कॉन्स्टेंट की तरह बिहेव करता है, तो इसको मैं बाहर ही ले रहा हूँ, तो ये हो जाएगा डेल बाई डेल वाई ऑफ वाई इंटू ई टू द पावर एक्स वाई जेड, ठीक है। यहाँ पास देखिए, वाई के रिस्पेक्ट में अपन इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, यहाँ भी वाई है यहाँ भी वाई है, तो प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन लगेगा, तो ये मिलेगा अपने को डेल स्क्वायर यू डेल वाई डेल जेड, तो ये हो जाएगा एक्स, यहाँ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन लगाएंगे, फर्स्ट डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकेंड ई टू द पावर एक्स वाई जेड, तो y के रिस्पेक्ट में x z जो है कॉन्स्टेंट है, ठीक है ना, तो सामने आ जाएगा फर्स्ट डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड e टू द पावर एक्स वाई जेड, और y का आ जाएगा 1, ठीक है। तो आपको क्या मिलेगा, डेल स्क्वायर u डेल y डेल z, इसका क्या रिजल्ट मिला, x को अंदर में मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई जेड ई टू द पावर एक्स वाई जेड, और प्लस इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो x e टू द पावर एक्स वाई जेड ये मिलेगा। अब लास्ट में बचा रह गया कि इसको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो नाउ पार्शियली डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट, आपको क्या मिलेगा, देखिए डेल बाई डेल x ऑफ डेल स्क्वायर u डेल y डेल जेड, इसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करूंगा तो वाई जेड जो है कॉन्स्टेंट की तरह बिहेव करेगा, तो डेल बाई डेल एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू ई टू द पावर एक्स वाई जेड ये मिलेगा, और ये क्या हो जाएगा डेल बाई डेल एक्स ऑफ, ये भी प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन लगेगा यहाँ पास भी,
ठीक है, तो आप प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन निकाल दीजिए, ये आपको फाइनली मिलेगा डेल क्यूब यू, और ये हो जाएगा डेल एक्स डेल वाई डेल जेड, ये मिलेगा। तो यहाँ आ जाएगा वाई जेड, और यहाँ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन लगाइए, फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड, तो हो जाएगा ई टू द पावर एक्स वाई जेड, और एक्स के रिस्पेक्ट में वाई जेड जो है कॉन्स्टेंट है, फर्स्ट डिफरेंशिएट ऑफ सेकेंड, फिर सेकेंड ई टू द पावर एक्स वाई जेड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, टू एक्स हो गया, ठीक है। प्लस अब इसका करेंगे, ये हो जाएगा फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड एक्स वाई जेड, ये हो जाएगा वाई जेड प्लस सेकेंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट का वन हो जाएगा, ठीक है। अब पूरे को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो ये हो जाएगा डेल क्यूब यू डेल एक्स डेल वाई डेल जेड, दैट इज इक्वल्स टू, इसका इसके साथ प्रोडक्ट करेंगे तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर ई टू द पावर एक्स वाई जेड, और ये हो जाएगा टू एक्स वाई जेड, टू एक्स वाई जेड ई टू द पावर एक्स वाई जेड प्लस, ये क्या हो जाएगा, प्लस एक्स वाई जेड ई टू द पावर एक्स वाई जेड प्लस ई टू द पावर एक्स वाई जेड, ठीक है। अब इसको फाइनली आप लिख दीजिए क्या मिला है आपको, इसका आंसर देखिए क्या मिलेगा। तो फाइनली मैं इसको लिखता हूँ, डेल क्यूब यू डेल एक्स डेल वाई डेल जेड दैट इज इक्वल्स टू, देखिए ई टू द पावर एक्स वाई जेड को मैं कॉमन लेता हूँ, ई टू द पावर एक्स वाई जेड को मैं कॉमन लिया, तो यहाँ क्या बच गया, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस, यहाँ टू एक्स वाई जेड है, यहाँ एक्स वाई जेड है, टू एक्स वाई जेड प्लस एक्स वाई जेड थ्री एक्स वाई जेड हो गया, ये हो गया थ्री एक्स वाई जेड, और ई टू द पावर एक्स वाई जेड तो कॉमन होकर के बाहर निकल गया, यहाँ से ये भी कॉमन निकल के बाहर हो गया, ये आपका फाइनल आंसर आएगा, ठीक है। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि जो पार्शियल डिफरेंशिएशन है कुछ भी नहीं है, आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, बाकी पूरा कॉन्सेप्ट ट्वेल्थ का ही है, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपका इस पर कमांड आएगा। तो यदि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो आप इसको लाइक ज़रूर करेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू वेरी मच।